विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री का सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार कंफ्यूज सरकार, सरकार के पास नहीं है कोई एजेंडा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम वीरभद्र के आय से अधिक संपत्ति मामले में पत्नी और बेटी समेत 19 याचिकाओं को किया खारिज, कोर्ट का आदेश मामले की सुनवाई ईडी के ट्रिब्यूनल में हो। छब्बीस जनवरी की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में होगा जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। जस्टिस सूर्यकांत होंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, वर्तमान में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं जस्टिस सूर्यकांत। वीरभद्र सिंह की बेटी अभिलाषा कुमारी होंगी मणिपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट की जज हैं जस्टिस अभिलाषा कुमारी। मनाली की आंचल ठाकुर को पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने दी बधाई, 20 साल से पहले पीएम मोदी ने मनाली में की थी पैराग्लाइडिंग, आंचल ठाकुर के पिता ने कराई थी पीएम को पैराग्लाइडिंग। हिमाचल सरकार ने आंचल ठाकुर को दिया 5 लाख रुपए का पुरस्कार, आंचल ने स्कीइंग में रचा है इतिहास, भारत के लिए जीता है पहला ब्रॉन्ज मेडल। और हिमाचल में पश्चिमी उफान सक्रिय होने से अब बढ़ेगा ठंड का सितम, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 से 13 जनवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतलहर चलने की दी चेतावनी।